लालकुआ कोतवाली में आगामी पर्व होली ईद और त्योहार को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के अलावा क्षेत्र के नागरिकों ने भी शिरकत की। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने होली पर्व पर हुड़दंग मचाने वाले अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी देते हुए होली को मिलजुल कर मनाए जाने की अपील की है। साथ ही अलविदा की नमाज को भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने होलिका दहन के वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखते हुए होली स्थल पर पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। लालकुआ कस्बे के लोगों को हमने बुलाया था, सभी धर्म के लोगों को बुलाया था और एक मीटिंग की है जिसमें लोगों से अपील की है कि जो आगामी त्यौहार है जिसमें होली है, रमजान है, जुम्मा की नमाज है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील की है। और साथ ही अगर कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व जो समाज में भय का माहौल क्रिएट करते हैं उनको चिन्हित करने के लिए भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है। साथ ही थाने में अगर कभी भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है तो उन्हें भी सूचित करें। पुलिस हमारे सभी त्योहारों में सभी जगह पर लगाई गई है, थाने के सभी चौराहों पर चौक पर लगाई गई है। इसके साथ ही इलेक्शन के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश सभी लोगों को दिए गए।